कोटा के MBS अस्पताल में अंधविश्वास का खेल एक बार फिर देखने को मिला है, जहां कुछ लोग अस्पताल पहुंचे और टोना टोटका कर आत्मा अपने साथ ले जाने का दावा किया। युवक की मौत के बाद परिजन यहां एक पेड़ के पास पूजा पाठ की, टोटका किया और कथित रूप से आत्मा लेकर चले गए। परिजनों ने बताया कि 13 फरवरी 2020 को सिमले थाना इलाके में एक ढाबे के पास करंट की चपेट में आने से बालकिशन की मौत हो गई थी। उपचार के दौरान उसने कोटा MBS अस्पताल में दम तोड़ा था। परिजनों ने बताया कि परिवार में आए दिन परेशानी आती थी और लोग बार बार बीमार पड़ जाते थे। ऐसे में गांव के ही एक तांत्रिक को दिखाया तो उसने बताया कि बालकिशन की आत्मा अस्पताल में भटक रही है, उसे लाना होगा और मुक्ति दिलानी होगी। इसके बाद घरवाले शनिवार को अस्पताल परिसर में पहुँच गए। उनके साथ भोपा भी आया था। उसके बताए स्थान पर लोगों ने टोटका किया, इसके बाद कथित रूप से आत्मा लेकर चले गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग देखते रहे। पॉलिटिशियन चाष्टा नाम था, 13 फरवरी 2020 को डेथ हुई थी, कन्नौज चित्तौड़गढ़ रहने वाले। कहाँ डेथ हुई थी, किस हुआ था? सिमला जो गांव है ना उसके पास समरथन नाम का ढाबा है, वहाँ ट्रक खड़ी थी, ऊपर 11,000 की लाइन जा रही थी, तो वहाँ पर हार्ट टच हो गया था, नीचे गिर गए। तो सर पे चोट लग गई थी या अस्पताल आने के साथ टाइम हो गया था या फिर यहाँ पे क्या करते थे वो? वो ट्रक पे साथ में जो होते ना कन्नौज से, उस तरीके से ड्राइवर के साथ सहायक। आज कैसे आए यहाँ पे आप? आज यहाँ पे फिर भगवान बाबू जी ने बताया कि हमारे यहाँ सब करना पड़ेगा, सब वो आगे बैठेंगे, परेशान करते हैं। कैसे पूर्वज वगैरह होते हैं ना, कैसे परेशान कर रहे थे, किसको परेशान कर रहे थे? घर पे होते हैं सारे कुछ काम, उल्टे सीधे चलते रहते हैं। नाम बताया आपका? राहुल शर्मा।